कोटा में बेरवा समाज के महाकुंभ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा आज कोटा पहुंचे। इस दौरान कई जगहों पर उप मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शिरकत की। समारोह में बेरवा समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। मीडिया से बातचीत करने पर उप मुख्यमंत्री ने पिछले 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में महिलाओं और दलितों पर अत्याचार काफी बड़े हैं। भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, अब प्रदेश की जनता के साथ मिलकर राजस्थान को विकास की अग्रणी श्रेणी में शामिल करना है। पार्टी में काफी नए चेहरे हैं, उनको साथ में लेकर काम किया जाएगा और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना हम सभी का दायित्व है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर व्यक्ति को अपना अपना दायित्व देके और काम करवाती है। अब हमारा नया मंत्रिमंडल निश्चित रूप से राजस्थान को आगे बढ़ाने में हम पूरा प्रयास करेंगे। नहीं, अपराध तो इन 5 साल में जितने अपराध हुए हैं, महिला अत्याचार राजस्थान में सबसे ज़्यादा हुआ है और दलित अत्याचार सबसे ज़्यादा हुआ है, आपने पिछले 5 साल में देखा होगा। निश्चित रूप से अब एक एक चीज़ पे ध्यान देके निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार, निश्चित रूप से हम इस राजस्थान को विकास और जितने भी भ्रष्टाचार के काम हुए हैं, निश्चित रूप से जितना भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है उसको जरूर नहीं देखो ऐसा है, अनुभव कोई लेके नहीं आता। अनुभव तो हम भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता थे और संगठन में काम किया है और समाज में काम किया, निश्चित रूप से वो सब अनुभवी हैं, ऐसा नहीं है कोई अनुभव भी नहीं है। कार्य योजना को लेकर सर, हमारी कार्य योजना यही है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में पिछली जब 2013 से 18 जब सरकार रही थी, आज उसको याद करते हैं और जो 5 साल में उन्होंने जिस तरह का खाका खराब किया है और अब हम जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं थी उन योजनाओं को 5 साल में उन लाभार्थियों तक पहुंचने नहीं दी, निश्चित रूप से अब हम उन माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं को हम उन लाभार्थियों के पास पहुंचाएंगे जो उसके पात्र हैं और उनको मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। पिछली सरकारी हमने कोई योजना नहीं, योजनाओं का नाम तो वो बदल बदल के चलाई है, सब योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई थी लेकिन वो नाम बदल के चलाते नहीं।